Jesus says. यीशु कहता है. In John 14 and verse 27. यूहन्ना 14 और उसके 27वें वचन में. My children. मेरे बच्चों. My peace I give unto you. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ. My peace. मेरी शांति. Not as the world gives. इस तरह से नहीं जैसे संसार देता है. My peace I give unto you. लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. Jesus is here to give His peace. आज यीशु मसीह यहाँ है अपनी शांति आपको देने के लिए. Today are you saying I don't have peace? क्या आज आप ऐसा कहते हैं कि मेरी जिंदगी में शांति नहीं है? Today do you say I am full of fear? क्या आप आज ऐसा कहते हैं कि मैं पूरा डर से भरा हुआ हूँ? I do not know my future. मुझे मेरा भविष्य क्या है पता नहीं है. Today Jesus says. और आज यीशु कहता है. Come to me, my child. मेरे बच्चों मेरे पास आओ. I will give you my peace. मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ. My peace. मैं अपनी शांति. If you read Job chapter 25 and verse 2. यदि आप अय्यूब 25वें अध्याय का दूसरा वचन पढ़ें. The Bible says God is sitting in the heavens and producing peace. और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा शांति का निर्माण कर रहा है. Of course, it is by that peace the whole universe is at peace. And it's flowing in a perfect manner, in orderly fashion. सच में देखा जाए तो उसी शांति के माध्यम से, उसी शांति के द्वारा ये पूरी दुनिया चल रही है और एक अच्छे तालमेल में सारी बातें हो रही हैं। We had a meeting in Ranchi several years ago. कई साल पहले हमारी सभा हुई थी रांची में। On the first night. पहली रात। In the middle of the meeting. उस सभा के बीच में। The Holy Spirit showed me in my spirit the name of a person who was in the crowd. Of thousands of people. और पवित्र आत्मा ने मुझे एक व्यक्ति का नाम दिखाया जो व्यक्ति हजारों की उस भीड़ में कहीं पीछे था. I pointed to a direction and I said, there is a young man who is in this crowd who has been in jail. और मैंने अपनी उंगली का इशारा उस दिशा में करके कहा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो जेल या बंदीगृह में था. The Holy Spirit shows me. पवित्र आत्मा मुझे बताता है. There is some Buddy, a young man who has come out of prison, who is in this crowd. आप इस भीड़ में हैं और अभी-अभी बंदीगृह से निकल के आए हैं. My young brother. मेरे जवान भाई. Your name is Naveen. आपका नाम नवीन है. But yet. लेकिन फिर भी. Even though you have gone through the jail sentence. भले तुमने जेल की उस सजा को भुगता है. Even after coming out. और उस जेल से बाहर आने के बाद भी. That jail sentence has not transformed you. वो जो जेल की सजा थी वो तुम्हें बदल नहीं पाई है. You're angry. तुम्हारे अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है. You're still angry. अभी भी तुम्हारे अंदर क्रोध है. But come to Jesus, Naveen. लेकिन हमने कहा नवीन यीशु के पास आ जाओ. Jesus will transform you. यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देंगे. His peace will transform your nature. और उसकी शांति तुम्हारे स्वभाव को बदल देगी. Only God can transform you. केवल परमेश्वर ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है. That night the Young man did not come to the platform. खैर उस रात तो वो जवान मंच पर नहीं आया. The second night he did not come. दूसरी रात भी वो नहीं आया. But the third night. लेकिन तीसरे दिन के रात की सभा में. He was on the platform. वो मंच पर खड़ा था. He was shaking and shivering. और वो बिल्कुल कांप रहा था. He said, "I am that Naveen." उसने कहा कि वो नवीन मैं ही हूँ. मेरा नाम है नवीन. Actually मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ. और मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता था. मैं नवंबर 6 तारीख को मैंने जेल पे चला गया मर्डर केस में. कल मुझे प्रेयर में दिनकरन ने बोला कि रो कैसा रो मैं कैसा रो. मुझे ऐसा चमत्कार हुआ कि आकाश में ऐसा ज्योति चमका और मुझे ऊपर से ऐसा ज्योति आ गया मुझे और मैंने रोने लगा. नवीन tonight. लेकिन आज की ना Jesus is coming. यीशु आ रहा है. Permanently you can come out of your sin. आप अपने पाप से संपूर्ण तौर पे निकल. Permanently you can come out of your guilt of sin and the curse of sin. और पाप के श्राप और पाप के बोझ से आप हर समय के लिए निकल सकते हैं. जीजस, 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 मैं पापी हूँ, पापी हूँ. आप जो भी है जिंदगी में यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हूँ. मैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. यीशु मसीह में जीने के लिए तैयार हूँ. बाइबिल में शक्ति है, बल है, बुद्धि है. Yes, he called my name Naveen. हाँ, उसने मेरे नाम नवीन कह के बुलाया. And the power of God has come upon me. और परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतर आई. I cried. और मैं रोया. I repented. और मैंने पश्चाताप किया. I've come to know about Jesus. और मैं यीशु के बारे में जानने लगा. Now I've given my life to Jesus. उसने कहा कि अब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया. I'm going back carrying the love of Jesus to bring others into His life. लेकिन उसके बदले अब मैं यीशु मसीह के प्रेम को लेकर जाऊंगा, दूसरों के जीवनों में यीशु के प्रेम को पहुंचाऊंगा.
That is the power of the love of Jesus. ये है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की सामर्थ्य. Jesus is able to change us. यीशु मसीह हमें बदल सकता है. Change our sinful nature. वो हमारे पाप के स्वभाव को बदल सकता है. Why? क्यों? Because he hung on the cross unjustly for no sin of his. क्योंकि उसे भी अन्याय के द्वारा उस क्रूस पर टंगा दिया गया. उसने कोई पाप नहीं किया था. And everyone who walked by accused him. और उसकी क्रूस से होकर जो भी गुजर रहा था सभी उस पर दोष लगा रहे थे. Soldiers accused him. सैनिकों ने उस पर दोष लगाया. And the judge wrongly condemned him. और फिर उस समय के न्यायाधीश ने भी गलत दोष उस पर लगाया. Jesus took all the curses and all the guilt that you and I go through because of our sins upon himself. हमारे पापों की वजह से जो भी दोष की भावना या जिस पूरी परिस्थिति से हम होकर जाते हैं, यीशु मसीह ने हमारे उन सारी बातों को अपने ऊपर ले लिया. Today, आज, Jesus says, यीशु मसीह कहता है, Come unto me, मेरे पास आओ. My children, मेरे बच्चों, who are guilty because of sin, पाप की वजह से जिनके अंदर दोष की भावना है. My children, मेरे बच्चों, who are rightly condemned because of your sin, जो पाप की वजह से सही कारण की वजह से जिन पर दोष लगा है. Come to me. मेरे पास आओ. Come to me. मेरे पास आओ. You don't need to suffer without peace because of your guilt of sin. पाप का जो दोष है उसकी वजह से शांति के बिना अब दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है. I have been made to suffer for your sins on the cross. क्योंकि क्रूस पर मैंने तुम्हारे पापों के लिए दुख उठा लिया है. I have been a sacrifice for your sins to be forgiven, says Jesus. यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं. इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया. Today, to open your heart to Jesus. आज की रात अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोले. Tell him, Jesus, उससे कहें, प्रभु यीशु, I come to you. मैं आपके पास आता हूँ. Wash me with the blood that you shed for me on the cross. क्रूस पर आपने वो लहू जो मेरे लिए बहाया उसी लहू से मुझे धो दें. The Bible says in 1 John 1:7. बाइबल कहती है पहला यहूना 1:7 में. The blood that Jesus shed on the cross for you and me cleanses us from all sins. वो लहू जो यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया आपके और मेरे लिए, वही लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है. The blood of Jesus will cleanse your sins. यीशु मसीह का लहू आपके पापों से आपको शुद्ध करेगा. Come to Jesus. यीशु के पास आएं. It will cleanse your sin of alcohol. वो आपके शराब का जो पाप है उससे आपको शुद्ध करेगा. It will cleanse your sin of lust. और शारीरिक वासना का जो पाप है उससे आपको शुद्ध करेगा. It will cleanse your sin of bribing. और घूस लेने का जो पाप आप करते हैं उससे भी वो आपको शुद्ध करेगा. It will cleanse your sin of adultery. और व्यभिचार के पाप से आपको शुद्ध करेगा. It will cleanse your sin of unfaithfulness and unrighteousness. और अधर्मी या धोखेबाज का जो पाप है उससे भी वो आपको शुद्ध करेगा. The blood of Jesus will cleanse your guilt. यीशु मसीह का लहू आपके अंदर से जो आपकी दोष भावना से आपको शुद्ध करेगा. Let not your heart be troubled. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Lord Jesus, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, Please destroy the work of the devil that has been haunting thy children, Lord. प्रभु शैतान के उस कार्य का नाश कर डालें जो आपके बच्चों को सता रहा है. Those who do not have a house, give them a house, Lord. जिनके पास अपना घर नहीं है प्रभु जी, आप उन्हें अपना घर प्रदान करें. And those who say, my house has been incomplete for a long time, provide the finances, provide the people to build it, Lord. और प्रभु जिनके घरों का निर्माण अभी अधूरा है, उनकी सहायता करें कि वे निर्माण पूरा कर सकें. Lord, I pray for everyone who is involved in medical service. प्रभु जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. I see your hand coming upon the doctors, the nurses, the therapists, the people who test the blood. Lord, honor them with thy mighty power, Lord. प्रभु मैं आपका हाथ डॉक्टर्स, नर्सेस, थेरेपिस्ट सब पर आते देख रहा हूँ. अपने महान सामर्थ्य के द्वारा उन्हें आदर दें. Lord, give them overflowing blessing. प्रभु उन्हें उमड़ती हुई आशीष प्रदान करें. Let the promotions come. उनके काम में उन्हें तरक्की मिल सके प्रभु जी.
that the children pass in all the exams and do very well. बच्चों की पढ़ाई में सहायता करें, वे अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकें प्रभु. Let the crown of righteousness be upon the family. प्रभु अनुग्रह करें आपकी धार्मिकता का मुकुट परिवारों के ऊपर रखा जाए. And peace prevail in their homes. और उनके घरों में आपकी महान शांति का राज्य हो. In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन.